हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चंदन। मैं हूँ आज भनवाटंग में, जहाँ बिलासपुर और पेंडा रोड के बीच में मतलब एक देवी के स्थान है, भनवाटंग बोलते हैं। तो आइए आपको दिखाता हूँ। जैसे कि और आज क्या नाम बाबा आपका? लाल साहेब ध्रुवे जी आपको यहाँ के बारे में जानकारी देंगे। यहाँ शुरू से ब्रिटिश जमाना से मंदिर यहाँ माता जी हैं। नीम का झाड़ में बसोबास किए थे, और नीम एक ठो लेडीज यहाँ का पोटर है। हाँ। उसका भाई यहाँ झुकता था। हाँ। वो वहाँ कुछ नहीं रहा, केवल इसे सिंपल रहा। उसके बाद में हम लोग फिर वो झुकने लगा तो चबूतरा बनवा दिए। हाँ। नीम के झाड़ में घेराव टाइप के। हाँ। वहाँ खेलता कूदता रहा और वहाँ उसका पूजा पाठ होता रहा। हाँ। उसके बाद में नीम का झाड़ सूख गया है। सूखने के बाद वहीं से शुरुआत हुआ है माता। हाँ। वहाँ से बली उली पत्थर सब मानो ऐसे रेलवे स्टाफ पहले देते थे, तीन साल के। हाँ। एक बकरा। हाँ। और उनका रेलवे कर्मचारी को मानो कि कोई भी कष्ट नहीं आता था। हाँ। अपना रात में ड्यूटी करते थे, सांप शेरू से सबसे बची शेर भालू से। उस समय बहुत जानवर रहे यहाँ। हाँ। यहाँ शेर निकल जाता था 6 बजे करीब। हाँ। और बैठ जाता था वहाँ। हाँ। उस समय यहाँ से पार होने का मुश्किल रहा आदमी को। हाँ। तो उसके बाद में फिर शेर भालू भी छोड़ दिए यहाँ आना जाना, यात्री लोग का आना जाना हो गया है। हाँ। और फिर ये वहीं से धीरे धीरे बढ़ना चालू हो गया, बलि होना हो गया, मानता हो गया इसका कि चलो किसी का बाल बच्चा नहीं है, 10 साल 15 साल हो गए उसको बाल बच्चा देने लगा माता अपना नाम से। उसका जो भी अपना श्रद्धा भक्ति से जो भी कहना है कह के जाते थे, जाते हैं पब्लिक। हाँ। कोई अनुसार से उनका मनोकामना पूरा हो जाता है। हाँ। पूरा होने से अब जो उन कहे बोले रहते हैं वो लाके अपना माता को देते हैं। हाँ। बलि प्रथा जो भी है, चोद कह दिए, कल्श जवा बोल दिए। हाँ। सोना चांदी नारियल जिसका जैसा श्रद्धा। हाँ। कथा भंडारा। हाँ। ये सब यहाँ हो चलता है नवरात में। हाँ। भंडारा चलता है का भाई, आपको जैसे इच्छा है उसे यहाँ मन्नत करते हैं। हाँ। और आ करके यहाँ दर्शन करते हैं और पूजा पाठ करते हैं। अब माता से अपना घर से द्वार से पेशी अदालत से भी माता छुटकारा दिलाता है। हाँ। उस श्रद्धा से कितनों आदमी का मैं इतना दिन हो गया केस लड़ते लड़ते मेरा केस खत्म नहीं हो रहा है। हाँ। तो माता जी उनका केस भी वारा निवारा कर देता है। हाँ। अब वही तो इनका वो है परिणाम। अब इतना से क्या बोल रहे। हाँ। है ना। आपको कितने साल हो गए यहाँ पे? मेरे तो मैं यहाँ बचपन से हूँ। मेरा पिताजी नौकरी कर रहे थे रेलवे में। हाँ। अच्छा, रेलवे में नौकरी कर रहे हम लोग यहीं रहे। उसके बाद मैं भी रेलवे में था। हाँ। मैं रिटायर होके माता की सेवा में। चलो ठीक।